नमस्कार फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वह होने वाला है ग्रेड अप, जो अभी फ़िलहाल में जिसको वैजूस नाम से कहा जा रहा है। तो जिसको पहले तो ग्रेड अप ही कहा जाता था, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको वैजूस ने खरीद लिया है। तो आप या ग्रेड अप बोलिए या वैजूस बोलिए, तो ये अभी एक कोर्स लेकर आ रही है 67वीं एवं 68वीं BPSC के लेकर के, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लेकर के यह कोर्स लेकर आ रही है। तो उसी कोर्स का हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे, कैसा यह कोर्स है। और इसमें मैं आपको कुछ ऑडियो सुनाने वाला हूं, जिसके वैजूस का ही एक कॉल है और उसमें मैंने उनसे कुछ सवाल पूछा है, जिससे आपको यह कन्फर्म हो जाएगा कि वैजूस आपको क्या प्रोवाइड करा रही है। वैजूस मत बोलिए, ग्रेड अप ही बोलिए, क्योंकि सारे जो इम्प्लॉय हैं वह ग्रेड अप के ही हैं, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ वो नाम वैजूस का दे दिया गया है। टीचर भी वही हैं, प्लान भी वही है। तो चलिए, सबसे जो यह मुझे इस जो लगी वैजूस का, वह यह लगा कि मैं सिर्फ इनके साइट पर विजिट किया था और साइट पे विजिट करने के बाद डायरेक्ट मेरे पास कॉल आता है कि सर क्या आप BPSC की तैयारी करते हैं, BPSC की तैयारी करते हैं तो आप वैजूस ज्वाइन कर लीजिए। मतलब सिर्फ मैंने वहाँ पे रजिस्टर किया था, मैं देखना चाहता था कि इनका जो BPSC के लिए जो कोर्स है वह क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैं जैसे ही बस रजिस्टर करता हूँ, हमारे पास कॉल आ जाता है वैजूस का। तो उसी कॉल रिकॉर्डिंग को आप लोग को सुनाने वाला हूँ। तो ये थोड़ा मतलब अजीब भी लगा कि मैंने सिर्फ रजिस्टर किया और मेरे पास बिना कहे, और ना ही मुझे वेबसाइट पे नोटिफिकेशन दिया गया था कि मुझे कॉल आएंगे और मुझे ये फ़ोन आता है कि सर आप कोर्स बाय करेंगे या नहीं करेंगे। खैर ये छोड़िए, आप ये ऑडियो सुनिए और ऑडियो सुनकर खुद से समझिए कि क्या यह कोर्स अच्छा है, एन अकेडमी से बेहतर है या एन अकेडमी से ख़राब है। तो चलिए आप लोग को ऑडियो सुनाते हैं। जी जी, हमने अभी विजिट किया था, हमें एक क्वेरी थी BPSC के प्रिपरेशन के लेकर के, वो क्लासेस क्या क्या सुविधाएं मिल रही है उसके लेकर के हमारी थोड़ी क्वेरीज थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना विजिट किया जाए। अच्छा, क्वेरी आपकी वहाँ पर क्या बोलते हैं, आपको पता चला क्वेरी के बारे में आंसर या फिर? नहीं नहीं, वो अगर अभी आप हेल्प करना चाहें तो आप हमें बता सकते हैं कि हमें क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं मिलेगी, किस प्रकार से क्लासेस दिया जाएंगे। ये चीज है, वहाँ पे तो जो डेमो क्लासेस थे उसको मैंने थोड़ी सी बात किए थे, तो जी कैसा लगा था डेमो क्लास आपको, पढ़ाने का अप्रोच कैसा लगा उसका? हम पढ़ाने का तो अप्रोच सही लगा, हम कुछ देर तक ही बात किए उसको, ज्यादा देर हम बात नहीं कर पाए। और उसमें तीन ही अच्छा। वो डेमो क्लासेस में वीडियो शो कर रहे थे, वो कोई सिलेबस पे चर्चा सिर्फ की जा रही थी, तो वो अच्छे से उसमें वो पढ़ाई के लेकर के वो नहीं हो पाया। लेकिन हमें ये जानना था कि जैसे वो कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो क्लासेस चलेंगी। अरे आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है, मैं बस एक ही जानना चाहूंगा आपसे कन्हैया जी, जैसे आपने ये BPSC आप कौन से साल दे रहे हैं, इस साल दे रहे हैं अगले साल देंगे? नहीं, इस साल तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो अप्रोच रहेगा वो अगले साल को लेकर के रहेगा। तो ये हमें यहाँ पे यह पूछ रहे हैं कि आप पहले कहीं से पढ़ें या नहीं पढ़ें, तो हम इनको एन अकेडमी का नाम बताते हैं। एन अकेडमी का नाम हम जानबूझकर बताते हैं ताकि ये अपने जो क्वालिटी है, कंटेंट है, उनको एन अकेडमी से कंपेयर करके बताएं। तो आगे आप लोग खुद ऑडियो सुनिए और फिर बताते हैं। इसीलिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि एन अकेडमी से क्या बेहतर प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि वो एन अकेडमी पे हम मतलब वो विजिट किए थे, लेकिन हमारा बहुत लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन नहीं रहा था, शॉर्ट टर्म सब्सक्रिप्शन था, तो अभी हमारे पास कोई सब्सक्रिप्शन अच्छा। नहीं है। अच्छा, तो वहाँ भी आपने BPSC का ही लिया था? जी, हमने BPSC का ही लिया था। अच्छा जी, ठीक है कन्हैया जी, मैं आपके बताता हूँ हर एक चीज का, ठीक है जी। 67th BPSC के लिए कन्हैया जी हमारी ऑलरेडी मतलब जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, सारी कुछ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है जी, 68 के लिए सॉरी, ठीक है जी। और ये जो हमारा 68 का बैच है, ये 26 फरवरी से बैच शुरू हुआ है जी। तो अभी इस बैच को शुरू हुए सिर्फ 4 से 5 दिन हुए हैं जी, ठीक है। और हमारी स्ट्रेटजी इस बैच में ऐसे है कि हम आपको ये जो है इसमें प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। क्या होता है, मान लीजिए आप खुद BPSC पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता हो, जब हम लोग मेंस का सिलेबस पढ़ते हैं ना, तो उस बड़े घेरे के अंदर वो पूरा छोटा जितना भी घेरा है वो सब कवर हो जाता है उसमें, है ना, प्रीलिम्स ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। तो हमारा भी यहाँ पे स्ट्रेटजी यही रहती है हमारी कि हम आपको पूरा जो मेंस का सिलेबस है मतलब जो जी, वो यहाँ पर पहले कवर करते हैं, ठीक है जी, जिसमें आपको वो प्रीलिम्स के साथ साथ ही सारी चीजें तैयारी कराई जाती है 7 से 8 महीने में जी। तो ये जो हमारा बैच है 26 फरवरी से जो स्टार्ट हुआ है जी, ये आपका 30 सितंबर तक चलने वाला है बैच जी, ठीक है। और हर दिन इसमें आपको 1 से 2 लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी,
अच्छा, और क्या इसमें जी सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होंगे या कोई ऐसे टीचर होंगे जो एक सब्जेक्ट को, मतलब वो दो लोग ऐसे करके ले रहे हो क्लासेस, ऐसा सारे हमारे सब्जेक्ट? यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं। यहाँ पर हमारे अच्छा हिस्ट्री के लिए राजेश यादव सर हैं, ज्योग्राफी के लिए रोहन त्यागी सर हैं और आनंद कबीर सर हैं, जी इकोनॉमिक्स के लिए वसु कटारा सर हैं हमारे, करंट जी अफेयर्स के लिए निर्मेश कुमार है जो अन अकेडमी पर भी थे, अब पहचानते होंगे शायद, निर्मेश कुमार निर्मेश कुमार पहले अन अकेडमी पर भी थे। ओके जी। एक दिव्यांशु वर्ष अब अन अकेडमी पर भी थे, वो अभी यहाँ पर हमारे साथ है। अच्छा, हाँ तो वो हम भी काफी ये पॉपुलर टीचर थे वहां पर, जी वो भी काफी पॉपुलर टीचर थे दिव्यांशु वर्ष में। अच्छा उनके अच्छा साथ साथ मतलब काफी मतलब स्टूडेंट्स उन्हीं के साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन किए हैं सिर्फ सर की वजह से अच्छा, वो तो पहले जी। भी और पीएससी का रही बात, लेते थे वो क्या? हाँ हाँ बीपीएससी ही करते थे, मतलब उनका मेन जीएस ये था, पार्ट है उनका अच्छा, तो जी। जैसे और रही अभी बात एन स्ट्रेटेजी अकेडमी की, क्या सुविधा देती है कि अगर मान लीजिए कि कोई टीचर्स नहीं है तो उनके पास बहुत से टीचर्स के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो और क्या आपके प्लेटफॉर्म पे भी ऐसा सुविधा मिल सकता है हमें? टीचर्स का ऑप्शन ऐसा नहीं, मान लीजिए हमारे पास जो भी टीचर है ना, वो क्या होता है एक रिगोरस मान लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा उनको टेस्ट किया जाता है, क्योंकि उनके डेमो वीडियोस वगैरह स्टूडेंट्स देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उस तरह से बहुत सारे करके कुछ चुनिंदे टीचर्स को हम लोग अपने पास प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, जिनका सबसे ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स उनको मतलब पसंद करते हैं, तो उसी नहीं, हिसाब से कई बार जितने भी ऐसा टीचर्स होता हमारे है यहाँ। कि जैसे मान लीजिए कि कोई अच्छे टीचर हो लेकिन वह स्टूडेंट को वो हो सकता है किसी पर्सनली कारण से, वो जैसे बहुत से होते हैं कि वो कोई नहीं पसंद आए उस बैच के, तो अनअकैडमी पर यह होता है कि वो दूसरे बैच के भी टीचर से जा करके कोई दूसरे टीचर से वो पढ़ सकते हैं, तो ये मतलब यहाँ पे मतलब वो आप सिर्फ वो फिक्स मतलब वो टीचर को आप सिलेक्टेड करते हैं, मतलब इस बैच के लिए टीचर, इस बैच के लिए टीचर आपके जी, जी? हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हमारे यहाँ पर फिक्स है, वही टीचर आपको यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब अच्छा, क्लासेस और देते हैं। ये जो एक चीज और मेरे मन में डाउट है कि क्योंकि पहले हाँ वो बिल्कुल अभी वो ग्रेडअप पहले इसको ऑर्गेनाइज करता था, तो अभी हम देख रहे हैं कि वो जी सारे जो बैचेस का जो टाइमिंग है वो 4,000, पहले भी आप लोग शायद वो नोट्स प्रोवाइड करा रहे थे ना? हाँ, हाँ, तो क्या अभी मतलब वो इसको मतलब बैचेस के ही या पहले जिस प्रकार ग्रेडअप प्रोवाइड करा रहे थे वही चीज प्रोवाइड कराया जाएगा, या मतलब इसको बैचेस अपने तरफ से प्रोवाइड करा रही है, मतलब क्योंकि अभी जो नहीं क्या ग्रेडअप हुआ है ना वही देखो, वैज है ना, अभी तो जिस प्रकार से वो ग्रेडअप के ही प्लेटफॉर्म पे एक तरह से प्रोवाइड कराया जा रहा है बीपीएससी के लेकर के ना हाँ बिल्कुल जी। ग्रेडअप जो था अभी 3 साढ़े 3 महीने पहले बायजूस ने इसे हाँ एक्वायर हाँ किया है अपने। हम टेस्ट सीरीज बाई किए हुए थे तो उस समय अच्छा मेरा जी। जी, नहीं चीज क्या, ये सारा चीज ग्रेडअप का ही है, बस ऊपर से जामा मतलब बायजूस एग्जाम पर कब पर चढ़ा है। तो फ्रेंड हमें यही डाउट लग रहा था क्योंकि पहले क्या था कि ग्रेडअप एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म नहीं थी, लेकिन उससे जब से बैजूस ने ख़रीदा है यूट्यूब पे बहुत प्रचार आ रहे हैं बीपीएससी को लेकर के कि बैजूस बीपीएससी के लेकर के बैच चला रही है, तो बैजूस बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है और बहुत साफ़ सुथरे कंटेंट प्रोवाइड कराती है, लेकिन आपने यहाँ पर सुना होगा कि जो ग्रेडअप है उसी को वही टीचर वो सारा कुछ वही काम कर रहे हैं, बस जामा वो बैजूस का पहना दिया गया है, जैसे उनके द्वारा भी ये चीज़ एक्सेप्ट की गई, तो यही चीज़ मुझे बहुत बड़ी डोट लग रही थी। और एक चीज़ यहाँ पर और चीज़ मैं आप लोग को प्राइस बता देना चाहूँगा, प्राइस जो यहाँ पे है ग्रेडअप का वो बहुत महंगा भी है अनअकैडमी से, अगर आप पे 67वीं बीपीएससी के लेकर के सिर्फ पीटी के लिए ज्वाइन करते हैं तो 9,000 रुपया लग जाता है, वहीं पर अगर आप पीटी अगर क्योंकि पीटी की जो पढ़ाई है वो मतलब 2-3 महीने में हो जाती है, तो इसका आपका इन अकेडमी पर बहुत कम प्राइस करीब 4,000, और अगर आप डिस्काउंट कोड लेते हैं तो करीब 3600 रुपये पे, कोई भी रेफरल कोड जैसे मेरा ही या किसी का भी आप रेफरल कोड लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी प्रकार से इसका अगर मेंस और पीटी के लेकर के बैच देखें तो इसका जो प्राइस है वो 12,000 रुपये है, वहीं पे अगर हम देखें तो 6 महीने या 8 महीने का इसका पूरा कोर्स है, तो उतना में अगर देखें तो इन अकेडमी पर आपको मात्र 7200 रुपये के अराउंड में आपको ये कोर्सेस मिल जाएंगे। तो मुझे यह एक चीज़ लगी फ्रेंड कि कहीं ना कहीं पहले तो मुझे यह लग रहा था कि चलो बैजूस दे रहा है कैंटेन लेकिन ग्रेडअप ही दे रहा है, फिर इतना महंगा क्यों? क्योंकि पहले बहुत ग्रेडअप सस्ता था, जब से इसे बैजूस ने ख़रीदा है तो कैंटेन सेम है लेकिन इसको महंगा कर दिया गया है, जबकि एक अनअकैडमी बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। तो आगे आप लोग सुनिए कि क्या इसमें बोला गया है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूँ फ्रेंड, अगर आप 67वीं बीपीएससी या 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं
तो एन अकेडमी का जो प्राइज़ है जो मैं हमने अभी आपको बताया वह बहुत ही बढ़ने वाला है। इसका जल्द ही प्राइज़ आपको बढ़ने वाला है, उसका मैं आपको सामने स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। करीब देख सकते हैं प्राइज़ में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा है। तो जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले लीजिए किसी के भी रेफरल कोड से, और अच्छे से तैयारी कीजिए। चाहे एन अकेडमी ले लीजिए या बैजूस ले लीजिए, मेरे समझ से एन अकेडमी बेहतर है, क्योंकि वो उन्हीं एक दो टीचर के बदौलत ही अपने कोचिंग को चला रहे हैं, जैसा कि आप सुन भी सकते हैं। अच्छा, यानी कि आपने मतलब वो कुछ टीचर्स के जो एन अकेडमी पर पहले जो जुड़े हुए थे, क्योंकि अभी एन अकेडमी है वो मतलब बीपीएससी के लेकर के बहुत बड़ा कहीं ना कहीं वो कर लिया है, मतलब बहुत दिनों से वो मतलब बीपीएससी के, क्योंकि हम भी जुड़े हुए थे एन अकेडमी से, तो हम सोचे कि मतलब वो देखते हैं, अभी मेरा सब्सक्रिप्शन समाप्त हो गया है तो एक बार बैजूस को मतलब विजिट करके देखते हैं। नहीं, बिल्कुल सही सोचा आपने। और मैं जो बता रहा था आपको, हम लोग जो स्ट्रैटेजी है प्रोवाइड करते हैं कन्हैया जी, वो क्या होता है ना, एक हफ्ते में हम लोग आपको कम से कम 5 6 दिन क्लास देते हैं, फिर 2 दिन आपको डाउट सॉल्विंग क्लासेस दी जाती हैं, जिसमें टीचर सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट के बारे में पूछते हैं और उसमें आपका सोल्यूशन देते हैं। तो कुल मिलाकर आपने सुना, और इस ऑडियो को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो उनका जो मेन मोटिव रहा था वह किसी प्रकार से मुझे कन्विंस करने की कोशिश की गई थी। किसी प्रकार से वह यह प्रूव करना चाह रहे थे कि हमारी जो कोर्सेस है वह एन अकेडमी से बेहतर है, इस मामले में बेहतर है, हमारे पास ये टीचर जुड़ गए हैं जो एक दो टीचर शायद एन अकेडमी को छोड़ करके उनसे जुड़े हैं, तो उन्हीं के बारे में वो बता रहे थे कि हमसे ये जुड़ गए, हमसे ये जुड़ गए। और मुख्य टारगेट वो उनका यह रहा था कि किसी प्रकार से हमारा ये कोर्स मतलब बिक जाए। और लास्ट में वो मुझसे मेरा नंबर भी पूछते हैं कि आपका और कोई नंबर है तो हमें बता दीजिए, नहीं तो आपका व्हाट्सअप नंबर है तो वह हमें बता दीजिए। और तो फिर मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और बात को मैंने समाप्त किया, और आप लोग आगे ऑडियो को सुन सकते हैं। ठीक है सर, वो हम थोड़ा सोचते हैं और उसके बाद हम फिर वो हम विजिट करेंगे साइट पे। ठीक बिल्कुल विजिट करिए आप। और मैं क्या एक काम करता हूँ, आपको डेमो क्लासेस हमारे पास उपलब्ध है सर, इन सभी सरों की, मैं हाँ आपको वो शेयर कर देता हूँ लिंक। हाँ ठीक ठीक है, है, शेयर कर दीजिए आप। आपका ओके व्हाट्सएप जी नंबर यही है आपका ना? जी जी ठीक है, मैं इस पर आपको शेयर करता हूँ। और स्टडी प्लान भी भेज देता हूँ मैं आपको, जो जी हमारा जी 26 तारीख से स्टार्ट हुआ है, जी 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 किस दिन कौन सी क्लासेस हो रही है वो आप चेक कर लीजिए एक बार। ओके ठीक ओके, है, चलिए तो थैंक आप यू। उसी नंबर व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप नहीं, इसी पे कॉल आप, कर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है, आप कर दीजिए। जी मैं कर दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप अगर कांटेक्ट करना चाहें मुझे फिर अब, तो आप उसी जी व्हाट्सएप नंबर पर मुझे ओके कांटेक्ट कर ओके सकते हैं। ओके ओके ओके।